नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। पटना हाईकोर्ट ने मुखिया और मुखिया को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। बिहार में त्रिस्तरीय प्रतिनिधियों का चुनाव होना है, तो वहीं गांव की संभावित प्रत्याशियों के द्वारा महीनों में जोर आजमाइश शुरू हो गई है और लोगों से पंचायत चुनाव के मतदान में आने का अनुरोध भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे गाँव की सियासत गर्मा गई है। उम्मीदवार जी जान लगाकर चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जोर शोर से वो कर भी रहे हैं। चुनाव का प्रचार किसी भी तरह से कम ना हो, इसके लिए नेताजी सोशल मीडिया से लेकर गांव की गलियों तक घूम घूम कर लोगों से मिल रहे हैं। चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए नेताजी के साथ साथ उनके साथ वाले समर्थक जो हैं वो भी चल रहे हैं। कई पंचायतों के संभावित प्रत्याशियों के कथनानुसार चुनाव की तारीख आने के बाद चुनाव का प्रचार प्रसार करने का समय कम मिलता है, इसलिए पहले से ही गांव में एक एक लोगों तक वो अपनी पहुंच बना रहे हैं। वैसे तो पंचायत चुनाव के उम्मीदवार अपनी गली गली और दूसरे के दरवाजों पर आसानी से पहुँच कर अपने चुनाव प्रचार करते देखे जाते हैं। वैसे तो पंचायत चुनाव की कोई भी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन अप्रैल से मई के महीने में चुनाव कराए जाने की बात कही जा रही है, जो कि मध्य जून तक चलेगा। वहीं आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में मुखिया और उपमुखिया के पद से हटाने के लिए पहले लोक प्रहरी की सिफारिश जरूरी होगी। अगर लोक प्रहरी की अनुशंसा के बगैर मुखिया या उपमुखिया को पद से हटाया गया तो ऐसी कोई कार्रवाई गैर कानूनी होगी। कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि पंचायती कानून में लोक प्रहरी की भूमिका होते हुए भी आज भी पंचायती राज संस्थानों में लोक प्रहरी के अनुशंसा के बिना ही सरकार मुखिया पर कार्रवाई कर रही है। अदालत की माने तो एक दशक पहले ही पंचायती राज कानून में ऐसा संशोधन किया गया था, लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक लोक प्रहरी संस्था का गठन तक नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि पद के दुरुपयोग के आरोप में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव ने आदेश मात्र से ही मुखिया को पद से हटा दिया गया, तो वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता के अर्जी को मंजूर करते हुए प्रधान सचिव के आदेश को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि ये याचिकाकर्ता डुमरी प्रखंड के बिशुनपुर ग्राम पंचायत के मुखिया थे, जिन्होंने प्रधान सचिव द्वारा किए गए मनमानी का विरोध करते हुए याचिका दर्ज किया था। आइए जान लेते हैं क्या है लोक प्रहरी। आपको बता दें कि बिहार राज्य पंचायती राज एक 2011 की धारा 5 के अनुच्छेद 152 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि जिस प्रकार के लोकायुक्त का गठन स्टेट लेवल पर किया जाता है, उसी प्रकार लोक प्रहरी के पद को गठित किया जाएगा। मतलब यह हुआ कि यह संस्थान भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेगी। इधर बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बताया जा रहा है कि ईवीएम के माध्यम से पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के बीच में एनओसी को लेकर मामला फंस गया है। ऐसे में अब यह पूरा मामला पटना हाईकोर्ट के पास चल रहा है। पटना हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद यह सुनिश्चित हो जाएगा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव कब तक होना है। ऐसे में पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लेकर मतदाता के मन में भी यही विचार चल रहा है कि प्रदेश में कब और कैसे पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव के बारे में और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।